नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान कोट फार्म ओनर जय तोसिक बोल रहा हूँ। आज के लोट में तो ये मेरे पास माल है अर्जेंट में, 40 बच्चे और 20 बकरियाँ, दो ब्रीडर। ये तो मेरा स्टोकली माल है और मैंने बताया कि वैक्सीनेशन कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अभी बारिश के मौसम में बहुत बंदो भाइयों को जो नया माल लेंगे ना, वो उसे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश के मौसम में इनको मक्खी मच्छर से बकरे दुबले पड़ जाते हैं या बाहर चढ़ने जाते हैं तो उसका मुँह पक्का खुरपक्का आ जाता है, मुँह पे ये दाने होने लग जाते हैं, पैर में लंगड़ाने लग जाते हैं। तो ये टीका आप बारिश से पहले, FMD जो बाहर चराता है माल, फार्म पे रहता है तो ऐसी शिकायत नहीं आएगी भाई, क्योंकि फार्म पे देखो आपको सूखा है पूरा इलाका, ठीक, और आप बाहर देखो गीला है अभी बारिश की वजह से, तो ये गीले की वजह से थोड़ा ज़्यादातर यह खुरपका मुँह का होता है। तो इससे पहले आप ये वैक्सीन लगा ले तो बेस्ट रहेगा। और ज़्यादातर यह है कि भाई देखो बारिश के मौसम में बच्चे दुबले पड़ते हैं क्योंकि इससे मक्खी मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो आपको सबसे पहले जानवर को ऐसी जगह रखें सूखी जगह पर, ज़्यादा गीला ना हो। ये देखो मेरे पास पूरा सूखा इलाका है, पूरा टिन सेट है बहुत बड़ा, तो आराम से जानवर रह सकते हैं, ठीक है। ये देखो बकरियाँ भी हैं, तो बकरियाँ भी इस टाइम बहुत कम खाती है भाई, तो आप इस टाइम बहुत गीला कम खिलाएं, बारिश के टाइम में सूखा ज़्यादा खिलाएं, सूखा चारा और दाने का लिमिट आपको रखना ही है। और इस टाइम बहुत दिक्कत होती है जानवरों को, बहुत दिक्कत भाई, दिक्कत ऐसी कि भाई इस टाइम है ना मौसम चेंजिंग होता है, इस टाइम आपको निमोनिया बुखार ये टेम्परेचर का दिखेगा, तो इसके लिए आपको बच्चे को तुरंत पहचानना है कि निमोनिया बुखार किसको, वो बच्चा अपना सुस्त खड़ा रहेगा या कुछ कुछ उदास सा खड़ा रहेगा या कम खाएगा, ठीक है। तो आपको उससे पहचान के टीका लगाना है, वो टीका भी मैं बता दूं भाई जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो बुखार के लिए आप कभी बुखार निमोनिया हो तो आप इसको ना भैया एंटीबायोटिक तो यूज़ करना ही है, और एंटीबायोटिक के बाद कोई सा भी एंटीबायोटिक यूज़ कर लो, मोनोसेप कर लो, फोर्टीवियर कर लो, ठीक है, ये तो एविल है भाई, ठीक है, मैं कभी यूज़ करता हूँ। ये बेलामेल है, बुक पढ़ाने का बी कॉम्प्लेक्स है ना, और ये है नियोप्रोफेन, ये किटोप्रोफेन साल्ट आता है इसमें, तो ये बुखार दर्द सबके लिए काम आता है। और यह है मेनोलिक्स प्लस, बुखार और मतलब दर्द के लिए ये बेस्ट है, इसमें से दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो ना, तो ये भी कर सकते हो अगर बुखार टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो तो, ठीक है। और एंटीबायोटिक में मैं मोनोसेप भी यूज़ करता हूँ या फोर्टीवियर भी यूज़ करता हूँ। ये एंटीबायोटिक है, ये बेहतर दिन तक मतलब बेहतर घंटे तक काम करता है, मतलब 3 दिन तक असर करता है। इस पर बॉडी वेट लिखा हुआ है भाई कैसे देना है, ठीक है। और ये मोनोसेप है, ये तो ख़राब हो गया, मानी मोनोसेप ये है, ये तो ख़राब हो गया, मिला दिया लगा देता हूँ, ठीक है। ये एंटीबायोटिक है, ये दो एंटीबायोटिक है, और ये बुक बढ़ाने के लिए ये एविल है, और ये दोनों बुखार के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, दस्त के लिए टेबलेट सब है इसमें, ये फर्स्ट बॉक्स है मेरा, बाकी यूज़ करता रहता हूँ। और देखो बकरे को तुरंत मेरे को यहाँ पे फार्म पे रहता हूँ, अभी बारिश का मौसम भी है तो बहुत कम जानवर ज़्यादा खाते हैं, अगर कोई बंदा बाहर चराने ले जाता है इस मौसम में तो बकरे दुबले पड़ेंगे या मुँह पे छाले होंगे या पैर में पैर पक्का मतलब खुर पक्का मुँह पक्का का टीका, FMD का जो टीका लगाता है वो जो बारिश से पहले लगाने हैं ना भाई, और अगर कोई बाहर चराने जाता है तो वो ज़रूर होगा, मुँह पे दाने ज़रूर होगा, ठीक है। वो तो ये अभी बच्चे स्टोकली खड़े हैं मेरे पास, जो भी है एकदम तुरंत कोई भी बकरा सुस्त या जुकाम कुछ भी, देखो भैया आप फार्मिंग कर रहे हो ना तो आपको बुखार निमोनिया दस्त जो भी जानवर को जो भी हो ना वो उतारना आना चाहिए जब भी आप फार्मिंग कर पाओगे। ऐसे तो नहीं कि भाई कुछ भी नहीं आता हो बस बकरे जानवर रख रहे हो, तो उसका आपका डॉक्टर का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि डॉक्टर आपको पता है कि इंजेक्शन भी लगाएगा तो 300-400 रुपये लेगा, जो इंजेक्शन आपको 400 रुपये में पूरी बोतल आनी है या 250 रुपये में जो बोतल आनी है, जो आपको एक महीना चल जाए वो एक दिन में ले जाएगा। तो आपको लगाना आना चाहिए इंजेक्शन, और जानवर का टेम्परेचर पता करने के लिए मशीन होनी चाहिए छोटी सी, आती 70 या 150 रुपये की, तो वो टेम्परेचर पता कर लेनी चाहिए अप डाउन है, तो ये ज़रूरी है भाई फार्मिंग में आ रहो, ये चूज़ ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। अभी देखो मेरे पास ये ब्रीडर है, तो ये ज़रूरी होनी चाहिए आपको बकरियों को तुरंत पता लगाने के, किसको बुखार है किसको निमोनिया है, और मान मौसम ही ऐसा है भाई, इस मौसम में तो आपको तुरंत जो नया जानवर लोगे ना उसे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि देखो भैया बारिश का एकदम कभी धूप बहुत तेज़ धूप होती है कभी बारिश हो जाती है, तो टेम्परेचर तो मौसम ही टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, मतलब कभी एकदम उमस हो जाती है एकदम ठंडा हो जाता है, तो जानवर को ये देखो ये चीज़ सहन नहीं होती है, ठंडा गर्म से वो उसका टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है, बुखार चढ़ जाती है या निमोनिया हो जाता है, तो उसके लिए इंजेक्शन देखो तुरंत रिजल्ट के लिए इंजेक्शन,
मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा हल्का भी वो उसकी रुमाली खड़ी हो जाए, बच्चे अभी तो इसमें है नहीं, नहीं तो मैं आपको बताता कैसा कैसी बुखार में कैसी स्थिति हो जाती। क्योंकि मेरे पास भाई ऐसा है, इतना जानवर है ना, मैं तुरंत होते तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। मुझे पता पड़ जाता है वो सुस्त है या बुखार है, मैं तुरंत ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। और ये जान हर बंदे को जो फार्मिंग कर रहा है, नया कर रहा है, उसे हर को जानकारी होनी चाहिए। और भाई एक बात, एक मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, मैं जानवर देखो कितने बड़े रख रहा हूँ, 4 महीने से ऊपर। बहुत से कॉल आते हैं भाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं पहले एक बार और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप 1 महीने 1.5 महीने 3 महीने के बच्चे लेके फार्मिंग मत करना, ठीक है, मान के रखो मत करना। लेकिन बहुत से कॉल आते हैं कि 8 किलो 10 किलो 12 किलो 15 किलो के बच्चे चाहिए। भाई इतने छोटे लेके क्या करोगे, बच्चे की देह ही होगी, आपका को आपका पैसे का नुकसान होगा, एक जानवर की मौत होगी, तो इतने छोटे क्यों लेते हो भाई। मैं खुद समझा कर आ रहा हूँ, लेने के बाद ही पछताओगे, जिससे पहले मैं समझा रहा हूँ ना भाई। मैं क्या आपको यह सोच रहा हूँ कि भाई सस्ता मिल जाएगा, सस्ते के चक्कर नहीं है भाई, जानवर नहीं बचते। आप 20 लेते हो तो 15 की मौत आ जाती है, 5 बच पाते हैं, वो भी कैसे कैसे कंजेशन में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना भाई, हर जगह सेटल नहीं होता, उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी नहीं होती कि वो हर जगह पे जाके सर्वे हो जाए। और अभी तो मौसम भी ऐसा है, क्योंकि ईद निकलने के बाद बच्चों की डिमांड ही है, हर बंदा बच्चा ले, ईद के लिए बच्चे वापस से तैयार करेगा, तो तैयार करने वाले नए जो बंदे हैं, पुराने को तो इस चीज़ का पता है, जो पुराना है ना भाई, वो एक बार चोट खा रखा है ना, उसे पता है कि भाई 20-30 किलो भी लूं, 35 किलो बच्चे लूं, या 25 किलो बच्चे लेके मैं तैयार करूं, उसे पता है भाई बड़े बच्चे ही सेटल होते हैं। मोटिलिटी हो जाती है भाई, मोटिलिटी में क्या होता है भाई, बुखार जुखार, इसको सेटल नहीं होना, ऐसा दिक्कतें बहुत होती है। तो मैं ये चीज़ बताने के लिए वीडियो बनाया भाई, कि आप बिल्कुल ये नहीं कि आप 10 kg 5 kg 8 kg 12-15 kg के बच्चे लेके स्टार्ट करो, बिल्कुल ना भाई, मेरी तरफ से बिल्कुल ना है। मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, इतना बिल्कुल ना है, इतने छोटे बच्चे लेके 8-10 kg। अब क्लियर बताऊँ बात, सिरोही में जब भी बच्चा बॉडी वेट, अच्छी नस्ल का बॉडी वेट का बच्चा पैदा होता है ना भाई, अच्छी नस्ल का, तो 4 किलो 5 किलो भी होता है, ऐसे 3 किलो भी होता है। हाँ ऐसा है कि कोई बच्चा दुबला पतला हो जाए तो वो 2-2.5 किलो पैदा होता है। अब आप सोचो वो दूध हर बॉडी में, अगर वो दूध पे पलता है ना बच्चा, तो हर महीने में 6-7 किलो बढ़ता है, हर महीने में ज़्यादा ही बढ़ता है, क्योंकि दूध पे पलाई होती है तो अच्छी ग्रोथ होती है उसकी। तो कोई बंदा बोलता है 10 kg, तो 10 kg 1 महीने के अंदर हो जाता है, तो एक महीने का बच्चा पाल पाओगे भाई आप, नहीं पाल पाओगे। तो इस भ्रम में मत रहो कि छोटे बच्चे लेके मैं फार्मिंग कर लूँ, कभी भी सक्सेस नहीं होगे, नुकसान खाओगे, देखो जानवर का भी लॉस खाओगे, बेचारे की मौत भी करोगे, और आपका भी पैसे का नुकसान होगा। तो मैं इसके लिए मैं नहीं मना करूंगा भाई कि छोटे बच्चे लेके आप फार्मिंग करो, छोटे बच्चे लेने ही है ना, तो 20 से ऊपर चलो। अरे भाई आप सोच रहे हो 20 kg को 6,000 का पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, क्वालिटी लोगे तो 6,000 का पड़ेगा, कट्टू लोगे तो 4,000-5,000 में मिल जाता है, वो क्वालिटी मेंशन होता है भाई रेट का। बहुत सारे बोलते हैं आप रेट ज़्यादा लगाते हो, भाई जैसा आप पैसा दोगे वैसी चीज हो जाएगी। एक कहावत तो सुनी होगी, जैसा गुड़ डालोगे वैसा, अरे बहुत किलर, जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा भाई, जैसी प्राइस दोगे वैसी क्वालिटी मिलेगी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों की ज़्यादा डिमांड आती है मेरे पास। और ये भी है भाई, जो बंदा 1, 2, 5 या 10 लेना है ना, वो सीधा फार्म विजिट करे, कॉल भी नहीं करे, कॉल पे पूरी डिटेल निकालते हैं, कैसे बच्चे हैं, वीडियो भेजो वो भेजो। भाई देखो मैं पूरा वीडियो यूट्यूब पे लगाता हूँ, आपको क्वांटिटी चाहिए तो मेरे पास मिलेगी, अगर 1, 2, 5, 10 लेना ना तो सीधा फार्म अजमेर आके ले सकते हो भाई। और गाड़ी जो 5-6 जो लेने वाला बंदा है ना, वो आपका साधन आप खुद लेके आए, यहाँ पे गाड़ी 14 रुपये किलोमीटर से नीचे नहीं मिलती, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें, अगर कोई फार्मिंग में नया आ रहा है ना भाई, तो कम से कम 20 kg, कम से कम कह रहा हूँ मैं तो, ऊपर लेने की आपकी इच्छा हो तो बेस्ट है, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कम से कम बॉडी वेट ये रखें। बहुत चिल्लाता है यार, ठीक है, कम से कम मतलब 20 kg बॉडी वेट लो भाई, मेरी मानो, बार बार फोन करके ये पूछते हो कि आपकी सलाह क्या है, कि आप क्या बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट, कहता हूँ भाई वीडियो में तो बोलता हूँ 20 kg, इससे ऊपर लो तो आप सबसे बढ़िया है। मैं 20 kg की भी ऐसा नहीं कर, प्रॉपर नहीं कह रहा हूँ, 20 kg सक्सेस हो, इससे ऊपर लो तो बेस्ट है भाई, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नीचे मत जाओ। और जो भी इस टाइम मौसम के अंदर, इस मौसम ऐसा है बारिश का, तो इसमें आप जानवरों को ध्यान रखें, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो जाए, बुखार हो, निमोनिया हो, तुरंत ट्रीटमेंट करो, तुरंत हाई मतलब हाईलाइट करो उसे, ऐसा नहीं कि हाँ आज हो गया तो कल तक कुछ दिन देखा जा रहा, उसको क्या ज़्यादा फीवर आ जाती है, ज़्यादा बुखार आ जाती है, तो उसका क्या है कि लीवर पर अटैक होता है भाई, अगर बच्चे के लीवर पर अटैक होगा तो फिर वो खाना पीना छोड़ देगा,
फिर इसके फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलने लग जाएगा, मतलब दिक्कत धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे, फिर बच्चा दुबला पड़ जाएगा, ठीक है। फिर वो वापस अगर तैयार भी कर पाओगे ना तो वापस रिकवर होगा ना, तब तक 2 महीने वापस खा जाएगा। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ, तुरंत एक्टिव रहो, जैसे जानवर को बीमार दिखे तुरंत एक्टिव रहो। अरे आप नहीं जानते, देखो जानकार तो जरूरी होना था, फार्मिंग में भाई आए हो तो मेडिसिन का जानकारी जरूर होना चाहिए आपको। मैंने बताया मेडिसिन, मैं नॉर्मल मेडिसिन रखता हूँ, और भी मेडिसिन मेरे फ्रिज में रखी है जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं नॉर्मल ये है, और भी बहुत से जो पिलाने के लिए यूज़ करता रहता हूँ। अगर एंटीबायोटिक के तौर पे मैं यूज़ बता दूँ आपको, एंटीबायोटिक के तौर पे फ्लोक्सी बी एच यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, फ्लोक्सी बी एच। और आपके तो डीवॉर्मिंग के लिए, देखो ये तो लीवर टॉनिक कभी कभी पिलाना पड़ता, कोई बच्चा दुबला होता तो लीवर केयर टेक होता, तो इसलिए। और ये एंटीबायोटिक के तौर पर मैं थोड़ा बहुत देता हूँ जेनमेट, ठीक है, ये भी देता हूँ। और भी है उसके लिए, तो मैं डीवॉर्मिंग के लिए तो और भी यूज़ करता हूँ, देखो ये भी यूज़ करता हूँ नीलजान, ये भी यूज़ करता हूँ, हाईटेक भी यूज़ करता हूँ, मतलब डीवॉर्मिंग के लिए तो बदल बदल के यूज़ करता रहता हूँ। लीवर टॉनिक में मैं आपको लीवर ये भी देता हूँ, एक हेस्टा का वो भी देता हूँ, उधर उधर पड़ा है, ठीक है, ऐसे। तो मतलब मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए अगर आप फार्मिंग में आ रहे हो, ठीक है। देखो ये सेकंड ब्याज की बकरी है मेरे पास, प्रजेंट में सब माल है भैया, मेल फीमेल 40 मेल है, जो बच्चे 4 महीने से 6 महीने तक है, मैंने वीडियो लगा दी है, ये बिल्कुल रेडी माल है भाई, किसी तरह की कोई झंझट नहीं है। लेकिन आपको इसलिए वीडियो बना के, क्योंकि भाई सर्दी बारिश का मौसम है, थोड़ा आप बकरों के जानवर का ध्यान रखें, सर्दी जुकाम का जो भी हो ना तुरंत इलाज करें, तुरंत मेडिसिन लगाएं, ठीक है, ये ज़रूरी है भाई। अगर नया बंदा है ना तो भाई, नया बंदा गलती क्या करता है, पहले तो छोटे छोटे बच्चे खरीद लेता है और फिर बीमार होना स्टार्ट होता है तो फिर वो उससे रुकते ही नहीं है। तो ये ज़रूरी है भाई, जो पहले तो छोटा बच्चा ना ले, बड़ा ले, ठीक है। और बड़ा लेके फिर क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, 4 महीने से ऊपर के बच्चों को इंजेक्शन वैक्सीन कुछ भी लगाओ ना तो वो रिकवर हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चे रहते हैं ना, उसको इंजेक्शन लगाओगे तो बहुत तकलीफ होगा, वो इतनी इसकी मतलब उतनी सहन शक्ति नहीं होती कि उतना वो चीज़ झेल सके, ठीक है। तो छोटे मत लो भाई, मैं वीडियो में बोलता हूँ और ऐसे भी बोलता हूँ, 20 kg से ऊपर ही देखो अगर आपको फार्मिंग में करना है, क्योंकि 1 साल में वैसे ही 2 दांत हो जाएगा भाई। अभी से बकरे खरीदोगे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट हो गए बच्चे खरीदने। तो देखो ये बच्चे मेरे पास अभी प्रजेंटली है, स्टॉकली माल है, आप कभी भी आओ फार्म पे एनी टाइम मिलेगा। लेकिन रेट का मेन साइन ऐसे है कि मैं खड़ा रेट करता हूँ, तोल में अब अगर पसंद आए भाई तो आप आ जाना, मैं तोल में वो उस बंदे का नंबर भी दे दूंगा जो आपको तोल में दे दे। मैं खड़ा रेट देता हूँ भाई, जो भी रेट हो, 6,000, 7,000, 8,000 जो भी रेट हो, व्हाट्सअप पे ये मतलब मैं भेज देता हूँ, आप जितनी क्वांटिटी है। अब मैं 40 का रेट बोलता हूँ, बंदे 10 का 10 लेने आते हैं और वही रेट को पकड़ के आते, तो इसलिए मैं रेट नहीं बोलता भाई, ठीक है। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद भाई हो। देख लीजिए एक माल माल का देख लीजिए क्वालिटी आप, देखो ये सब रेडी है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब रेडी माल है। क्योंकि कुछ भी दिक्कत हो ना मैं तुरंत एक्टिव रहता हूँ जानवरों के मामले में, सवेरे शाम सुबह से हमेशा देखता रहता हूँ, ठीक है। कुछ कम खा रहा है, किसी को बुखार है, निमोनिया, सब देखना है, ये पूरा जानकारी होना ही एक फार्मिंग की अच्छी, मतलब अच्छी जानकारी होना ही बकरी को पूरी, मतलब बकरा बीमार कितना भी हो जाए और उसे तैयार नहीं करना है तो वो कोई फार्मर नहीं है भाई, मतलब वो कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना जानता तो फिर क्या मतलब। ट्रीटमेंट करना जरूरी आना चाहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज आना चाहिए भाई, इतना होना चाहिए। बकरा क्या होता है, ज़्यादातर बुखार या निमोनिया, ठीक है, यही होती है, दस्त होती है या खांसी होती है, इतना कुछ होता है, इतना तो आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए भाई, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद भाई।